हेलो गाइस, टेक्निकल एंसारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ईमेल क्लाइंट की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि ईमेल क्लाइंट की मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, तो इसी सीरीज़ में एक और वीडियो हम ऐड करने वाले हैं कि आउटलुक का बैकअप हम कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आउटलुक का बैकअप हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आउटलुक 2016। तो इसका बैकअप हम देखेंगे में दो तरीके से हम इसका बैकअप ले सकते हैं। तो वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, मैन्युअली वे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके किस तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सामने जो मेरे आउटलुक है जो ओपन हो गया, कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आती है। तो आप देखते हैं हम किस तरीके से इसका बैकअप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ फाइल पे क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ ऐसे होम पे आ जाएंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ओपन एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप नीचे देखिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद में देखिए आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमें अभी एक्सपोर्ट करना है अपने सिस्टम में, क्योंकि हम बैकअप लेना चाहते हैं। इम्पोर्ट तब होगा जब हम उस बैकअप को रिस्टोर करेंगे। तो हम अभी बैकअप लेना चाहते हैं, तो हम करेंगे एक्सपोर्ट टू ए फाइल। तो इस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद देखिए आउटलुक हम PST में लेना चाहते हैं बैकअप, तो इसको नेक्स्ट कीजिए। और इसके बाद में देखिए हमारे सामने अकाउंट आ गया। इसमें हम इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं फोल्डर, आप जिस तरीके से लेना चाहें, किसी पर्टिकुलर फोल्डर का ही लेना चाहें तो भी हम ले सकते हैं। इस तरीके से आप फिल्टर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मोर चॉइस एडवांस। तो किस इस तरीके से लेना चाहते हैं आप, उस तरीके से यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद में देखिए आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, रिप्लेस डुप्लीकेट्स विद आइटम्स एक्सपोर्टेड, अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स टू बी क्रिएटेड और डू नॉट एक्सपोर्ट डुप्लीकेट आइटम्स। यानी कि यहाँ पे जो भी रिप्लेस हो जाएंगे, जो भी अगर डुप्लीकेट आइटम्स होंगे, तो इसी पे मैं रहने देता हूँ और नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोकेशन देख लीजिए कि इस लोकेशन पे हमारा बैकअप आएगा, तो यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमसे पासवर्ड ऐड करने के लिए कह रहा है। ये सिक्योरिटी है, एक अच्छा फीचर है जिसमें कि आप अपनी PST पे बैकअप लेते समय पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि अगर ये PST किसी और के हाथ भी लग जाती है तो उसको रिस्टोर नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको पासवर्ड पता नहीं होगा। तो यहाँ मैं जल्दी से एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ कोई भी रैंडमली, और उसके बाद ओके कर देता हूँ। इसके बाद देखिए टाइप द पासवर्ड फॉर बैकअप, अब बैकअप के लिए पासवर्ड हमें यहाँ पर डालना है जो अभी हमने सेट किया था, और ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी जो फाइल है वो बैकअप हमने क्या ले लिया है। तो इस तरीके से एक तो बैकअप आप ले सकते हैं। आप अगर आपको इसको रिस्टोर करना है तो दोबारा से आप ओपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आइए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल पे आइए। इसके बाद देखिए इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल, तो इस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आउटलुक डेटा फाइल कीजिए, क्योंकि हमने PST का बैकअप लिया था। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए और रिप्लेस वही देखिए यहाँ से आप ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी बैकअप हमने लिया है। इसको बैकअप को आप ओपन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पे क्या है, रिस्टोर हो जाएगा हमारा बैकअप। अब दूसरा तरीका मैं आपको मैन्युअली बताने वाला हूँ, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। आप यहाँ अकाउंट सेटिंग में आ जाइए। इसके बाद में आपको डेटा फाइल्स का एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, आप डेटा फाइल्स में आ जाइए। और इसके बाद में आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइल नेम दिख जाएगा, तो इसका आपको क्या है, इसको कॉपी कर लेना है पूरे को। और ये जो PST.PST है यहाँ तक इसको छोड़ देना है, सिर्फ फाइल्स तक लेना है हमने, यहाँ तक ये कॉपी करना है। इसको कंट्रोल और सी करके कॉपी कर लीजिए और इसको बाद में काट दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है। और इसके बाद विंडो प्लस R की प्रेस कीजिए और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए, ये पेस्ट कर दोगे और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए ये हमें मैन्युअली लोकेशन मिल जाएगी। अब यहाँ तो जो हमने बैकअप लिया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, ये तो वो फाइल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेन मेरी फाइल ये है PST, तो इसको आप मैन्युअली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ अभी ये फाइल, क्योंकि हमारा आउटलुक ओपन है इसलिए पेस्ट नहीं हो रही है। तो मैं दोबारा आपको इसको क्लोज करके दोबारा पेस्ट करके कोशिश करते हैं। तो देखिए अब ये हमारी जो फाइल है वो पेस्ट हो चुकी है वहाँ से कॉपी होके। तो इस तरीके से आप बैकअप ले सकते हैं। अब आपको अगर रिस्टोर करना है इस मैनुअली फाइल को, तो दोबारा से आप आउटलुक ओपन कीजिए, जैसे कि इस लोकेशन से हमने बैकअप लिया था। तो मैं इसको अगर डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम आउटलुक ओपन करके देखते हैं, तो देखते हैं ये क्या दिखाता है, आउटलुक द PST कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमने PST वहां से डिलीट कर दिया।
तो अब आपको मैं ये रियल जो है वो सिनेरियो दिखा रहा हूँ किस तरीके से रिस्टोर करना है। तो जिस लोकेशन से हमने फाइल कॉपी की थी उसी लोकेशन पे आ जाइए और इस फाइल को दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। अब दोबारा से हम आउटलुक ओपन करके देखते हैं, ये देखिए, देखते हैं कि ओपन होगा कि नहीं होगा। ये देखिए हमारे सारे के सारे मेल है जो दोबारा आ गए हैं। तो इस तरीके से आप आउटलुक का बैकअप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।